लोग नाइस। मैं आज ये बताऊँ कि आपको कैसे उसी का मोबाइल नहीं आता और कैसे करना है उसका, आपको वीडियो लाइव बना के दिखाता हूँ। ये 4A की डिस्प्ले है, ठीक है, और ये है अपना 4A का टच। मानस एक चौपड़ी मार नाम नंबर लिखी लीजिए बेटा। हेलो इन्हें इन्हें हेलो ना पॉज कर, पॉज नहीं तो बंद कर दीजिए। ये उसकी डिस्प्ले है 4A की, टच है। अब इसके ऊपर ये उसी लगाएंगे। ये उसी है, यहाँ से पहले लगा दो। ये रोलर से ये उसी है चिपका दिया हमने। अब ये उसी है चिपका दिया है। अब पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ये डिस्प्ले के ऊपर कोई धब्बा नहीं रहना चाहिए। अब इसके ऊपर से उसी की पट्टी हटाएंगे और मैंने कोई डिस्टर्ब ना कर दू। अनस गरा हैंडल कर लेते ना। ये उसी की पट्टी निकालेंगे हम। ये उसी की पट्टी हम निकालेंगे। अब ये इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे। रखने के बाद इसको निकाल लेंगे और इसको यहाँ से पकड़ना है। फिर ये रहा, अब ये पंचिंग मशीन के अंदर हम रखेंगे इसको ऐसे करके, ठीक है। रख दिया इसको। अगर ये टाइट करना है, टाइट करने के बाद ये लेमिनेट का बटन दबाना है। ये लेमिनेट का बटन दबाते ही ये स्टार्ट होगा लेमिनेट होना। यहाँ पे एक सेपरेटर मशीन भी दिया हुआ है, ये टच का सेपरेटर। जिसको टच रिमूव करना हो तो ये यहाँ से इसका टेम्परेचर और सक्शन सब आएगा। आपको अलग से 3-4 हज़ार रुपये खर्चने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सेपरेटर मशीन भी यहाँ पे दिया हुआ है जो टच को रिमूव करता है, तो उसका एक आपको फ़ायदा रहेगा। ये पंचिंग हो गया है। अब ये जीरो होने तक इसको हम ओपन नहीं कर सकते। ले पकड़, ये पंच हुआ है। वैसे थोड़ी बहुत एयर दिख रही है, दिख रहे हैं आपको, जो थोड़ी बहुत एयर है, ठीक है। अब इसको हम बबल रिमूवर जो यहाँ पे दिया हुआ है के साथ ही साइड पे दिया हुआ है, ये देख सकते हो, ये बबल रिमूवर है।
इसको हम ओपन करेंगे और ये बबल रिमूवर के अंदर इसको रख देंगे हम। बबल रिमूवर के अंदर रखने के बाद इसको हम बंद कर देंगे ये बबल रिमूवर, और यहाँ से बबल रिमूविंग स्टार्ट होगा। जा अनु जी बेटे बताओ, तो बबल रिमूविंग स्टार्ट होगा, यहाँ से टेम्परेचर स्विच दबाओगे तो हमको यहाँ 400 सेकंड बबल रिमूविंग के अंदर रखना है। वो 400 सेकंड के बाद ये सेकंड चालू हो गई, 400 सेकंड तक बबल रिमूविंग के अंदर रखना है। हम 400 सेकंड तक वेट कर, ये चालू है सेकंड, हमारे पास ये ओवन भी मिल जाएगा। ये ओवन का काम है कॉम्बो को हीटिंग करके, इसके अंदर से आप उसकी फ्रेम के अलग से कर सकते हो। ये उसका पूरा ओवन है, अंदर से आप मोबाइल रख के फिर आप उसका कॉम्बो अलग कर सकते हो। अभी ये बबल रिमूविंग का 67 सेकंड चालू है, अभी 400 सेकंड के बाद आपको हमारा रिजल्ट दिखा रहा हूँ मशीन का। और ये आप देख सकते हो ये सेकंड चालू है, बबल रिमूविंग चालू है, फिर भी मैंने एक और कॉम्बो रखा है, उसका भी लैमिन है। ये बबल रिमूवर मुझसे गलती से दब गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस कर देते हैं। ये लैमिनेट का बटन दबाया मैंने वापस, अब ये कॉम्बो बनना शुरू होगा। अभी लैमिनेट चालू हो गया है, बबल रिमूविंग भी चालू हुआ है, बबल रिमूव भी वो 400 सेकंड चलेगा। अभी देखो इसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो 0.4 होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर इमरजेंसी है तो ये लैमिनेट होना शुरू हो गया है, ये लैमिनेट पे जा रहा है नीचे मशीन, इसको 0.04 पे सेट करना है। अगर ज़्यादा होगा तो कॉम्बो टूट जाएगा, कम होगा तो एयर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये दूसरा कॉम्बो लैमिनेट हो रहा है, आप देख सकते हो बबल रिमूवर पे 250 सेकंड हुई थी, अब मैं 150 सेकंड और रखूँगा। उसके बाद ये लैमिनेट हो जाने के बाद मैं आपको कॉम्बो कैसे बनता है वो दिखाता हूँ। ये स्पेशली ये मेरा मशीन है, आप चाहे जितने भी कॉम्बो बना लो कोई दिक्कत नहीं है। लैमिनेट हो चुका है, इसका लैमिनेशन चालू है, आप दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखो अभी लैमिनेशन चालू है, ये जीरो हो जाए उसके बाद मैं मशीन ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया, ये आप देख सकते हो इसके अंदर एयर, एयर बिल्कुल नहीं रही है, ठीक है। अब इसको फिर भी हम बबल रिमूवर के अंदर बबल रिमूविंग के लिए रखेंगे, और वो अभी एक कॉम्बो चालू हुआ है, चालू है जो बबल रिमूवर हो रहा है, वो हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो बबल रिमूविंग हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि एक कॉम्बो जो मैंने रखा था उसके सारे बबल रिमूव हो चुके हैं, ये कॉम्बो कम्प्लीटली बन चुका है। अब मैं आपके सामने एक कॉम्बो तो बना दिया हूँ, आपके सामने ये कॉम्बो के अंदर एयर है थोड़ी बहुत, तो वो एयर के लिए मैं ये बबल रिमूवर के अंदर रख रहा हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने बबल रिमूवर के लिए रखा, ये बबल रिमूवर का ढक्कन बंद किया मैंने, और ये बबल रिमूवर की स्विच दबाई। अब 400 सेकंड तक इसको बबल रिमूव के लिए रखूँगा मैं, इसकी 400 सेकंड होने तक। ये 400 सेकंड चालू है, सेकंड हो जाने तक आपको मैं वेट करवाऊँ। और ये यहाँ पे लैमिनेट उसका ये टच रिमूवर मशीन है, ये वीफाई है, मैं इसका आपको डेमो दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे सक्शन दिया हुआ है, जैसे वैक्यूम स्टार्ट हो गया अब ये हिलना भी बंद हो जाएगा। इसको थोड़ी देर रखने के बाद मैं इसकी टच रिमूव करूँगा, आपको दिखाता हूँ ये मशीन के फ़ायदे कितने हैं। ये 400 सेकंड होने वाले हैं, अभी फोन रखा हुआ है बबल रिमूविंग के लिए। ये 400 सेकंड होने के बाद ज़ोर से आवाज़ आएगी, बढ़िया सी एकदम, जैसे लोग डर जाते हैं ऐसी। इसको 45 या 15-20 सेकंड रखने का है, फिर इसको देखो यहाँ से घिस के ऐसे निकालना है, इसको दोबारा मैं लगा दूंगा ताकि इजीली निकल जाए।
ये आप देख सकते हो, अब सक्शन बंद कर रहा हूँ मैं। ये मैंने डिस्प्ले अलग कर ली है इसकी, और ये टच है इसकी, ठीक है। ये वीवो वी फाइव, इसका ये भी फायदा है आपको, इसको ये लगेगा। अब ये 400 सेकंड पूरे होने वाले हैं, 400 सेकंड जैसे ही हो गए मैं अंदर से एक 4A का कॉम्बो जो बबल रिमूवन के लिए रखा है वो मैं निकालूंगा। ये आवाज़ आ गई, अब ये बंद भी हो गई 400 सेकंड। अब इसको मैं निकालूंगा, आप देख सकते हो ये बन गया है कॉम्बो, और ये ढक्कन भी बंद कर दूंगा। अब आप देख सकते हो इसके अंदर एक भी बबल्स नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये अपने मशीन का रिजल्ट है। और दोस्तों अगर आपको ये मशीन चाहिए तो कॉन्टेक्ट मेरा करें।